इसकी वजह से उन्होंने ना इस उन्होंने ना थ्री लॉ दिए थे, तीन लॉज दिए थे अपने, पोस्टुलेट्स जिनको बोलते हैं, देयर वर थ्री पोस्टुलेट्स. तो जिसके ना उन्होंने जो पहला दिया था ना, इट वॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो वो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था ना, वो इसी की वजह से आया कि जब ये और ये मिले, दिस इज वॉट, दिस इज योर पेरेंट, दिस इज वॉट, दीज आर योर गैमीट्स. जो गैमीट फॉर्म हुए इसमें से, दिस इज योर गैमीट्स. अब इसमें से एफ वन जनरेशन आ गई, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसके मतलब सारे टॉल हैं, ऑल द ऑर्गेनिज्म जितने भी प्रोड्यूस हुए सारे टॉल हुए. सो उन्होंने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस, द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला दैट जब भी एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, वो रिसेसिव ट्रेट को, इट नेवर अलाउज द रिसेसिव ट्रेट टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. अगर बुक की डेफिनेशन देखी जाए, सो दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू अल्टरनेटिव्स फॉर्म अ ट्रेट और कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, ओनली वन ऑफ द फैक्टर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन एफ वन प्रोजेनी एंड इज कॉल्ड डोमिनेंट, व्हाइल द अदर दैट रिमेन्स मास्ट इज नोन एज रिसेसिव. जो कि अगर लिखनी होगी बोर्ड एग्जामिनेशन में, या फिर हमें लिखना है, वी विल राइट जो बुक का डेफिनेशन है, लेकिन समझने के लिए हम इसको क्या बोलेंगे. डोमिनेंस ने सिर्फ इतनी सी चीज़ बोली कि जो एक डोमिनेंट कैरेक्टर था और एक जो रिसेसिव कैरेक्टर था, सो डोमिनेंट कैरेक्टर नेवर अलाउज रिसेसिव कैरेक्टर टू ब्लूम्स आउट. डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर को नीचे ही रखेगा एंड इट विल ऑलवेज एक्सप्रेस इट्सेल्फ. ये इट इज़ अ कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड दैट इज़ हाउ द लॉ ऑफ डोमिनेंस वॉज कैरेक्टराइज. और ये जो क्रॉस करा था, इट वॉज योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड, अब इसको अगर मैं दो शब्द में काट दूं, मोनोहाइब्रिड, मोनो इज सिंगल, हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या होता है वैसे, अगर हम केमिस्ट्री में हाइब्रिड पढ़े तो हाइब्रिड होता है कि कोई भी दो चीज़ों को मिक्स करके एक नया हाइब्रिड, एक नया जनरेशन प्रोड्यूस हुआ और एनर्जी का फ्लो भी हुआ. That is what it happened. कि मैंने एक टॉल एक ड्वार्फ को ही तो करा था उन्होंने. सो दो चीज़ों का एक इंटरमिक्स हाइब्रिडाइजेशन हुआ, एक नई चीज़ प्रोड्यूस हुई. ये नई चीज़ ही तो थी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, क्योंकि इसमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वॉज देयर. ओके, सो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी की वजह से ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, जीनोटाइप तो चेंज हुए ना, बट लेकिन हाँ कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुआ, वो टॉल ही रहे सारे, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट जीनोटाइप तो चेंज हुए. सो मोनो हाइब्रिड इज मोनो सिंगल, तो इसमें सिंगल ट्रेट लिया था. मोनो इज द ट्रेट कि सिर्फ एक टॉल को लिया और उन्होंने क्रॉस कर दिया. एंड ही स्टेटेड, ही पोस्टुलेटेड वन ऑफ द पोस्टुलेट दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. ओके, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अगर बुकिश डेफिनेशन पढ़ी जाए, सो बुकिश डेफिनेशन ये है दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट द फैक्टर्स और एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन such that a gamete receives only one of the two factors, they do not show any blending. इन्होंने ये बोला कि जो भी हमारे factors और जो एलील्स, I told you ना कि मेंडल ने factors term कर दिया था जीन्स को, उनको पता ही नहीं था कि इनको जीन्स बोला जाता है या एलील बोला जाता है. उन्होंने बोला these are the factors जो एक organism से या फिर एक generation से दूसरी generation पर जा रहे हैं, because शायद उतना उनको नॉलेज नहीं था उस टाइम पे. बाद में जाके जीन्स एंड एलील्स ये सारी जो टर्म्स हैं बाद में जाके कॉइन्ड हुई. ओके, सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर ये बोला गया है कि जो गैमीट्स फॉर्म हुए थे, वो गैमीट फॉर्म होते हैं पेरेंट्स से, तो वो सेग्रीगेट होते हैं और वो कोई एक ट्रेट मिलता है उनको. कैसे? पहले मैंने क्रॉस करवाया था कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी का, बट इससे कुछ प्रूफ नहीं हुआ. तो व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने दो कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली और उन्होंने अब की बार क्या करवा दिया, डाईहाइब्रिड क्रॉस. ओके, सो डाईहाइब्रिड क्रॉस में डाई मीन्स टू, लेट्स से क्या करा उन्होंने, व्हाट ही डिड वाज उन्होंने
सीड का कलर कौन सा किस पे डोमिनेंट था? येलो वॉज डोमिनेंट ऑन ग्रीन. तो अगर हम इसका अब लिखेंगे जीनोटाइप को कैसे लिखेंगे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई. ओके, सीड का कलर एंड सीड का शेप. सीड का शेप किस पे डोमिनेंट था? वॉज राउंड डोमिनेंट ऑन रिंकल. सो राउंड इज कैपिटल आर कैपिटल आर, रिंकल्ड इज स्मॉल आर स्मॉल आर. ओके, सो उन्होंने अब इन करेक्टरिस्टिक्स को लेके फिर क्रॉस करवाया. तो जब अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म बोलूं, ठीक है, जिसके अंदर हर कुछ डोमिनेंट है और एक जिसके अंदर हर कुछ रिसेसिव है, सो हर कुछ डोमिनेंट का मतलब कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई क्योंकि डाईहाइब्रिड है, और हर कुछ रिसेसिव है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है. नाउ व्हाट ही डिड वाज कि ये जो है ये क्या है हमारे पेरेंट. अब जब उन्होंने इसको क्रॉस करवाया तो जो हमारे गैमीट्स फॉर्म हुए वो क्या हुए? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई. अच्छा थोड़ा सा अब देखो, जैसे मैंने ना पहले तो मैं बोला था कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसमें से क्या गैमीट प्रोड्यूस हुआ था? सिर्फ ये और सिर्फ ये. देखो दोनों में से एक चीज़ आ गई थी, दोनों में से एक चीज़ आ गई थी, लेकिन यहाँ पर तो अब चार हैं, तो एक ये और एक ये, समझ में आया? ये आया. सो अब जब उन्होंने इसको क्रॉस करवाया, सो क्रॉस करवा के आया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. अब इसको डीपली अगर देखा जाए तो मैंने कुछ नहीं करा, बस कैपिटल आर और स्मॉल आर को पहले लिख दिया, आर को पहले लिख दिया, वाई को बाद में लिख दिया. सो ये क्या आया? एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल. ये मेरा क्या था? ये मेरा एफ वन जनरेशन था. तो ये जो मेरा F1 जनरेशन था, इन्होंने क्या करा? इसको फिर सेल्फ क्रॉस करा दिया. अब सेल्फ क्रॉस का मतलब इन्होंने क्या करवाया? इन्होंने बोला कि अब तो सारे क्या, अच्छा वैसे इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? ऑब्वियसली R मतलब राउंड, Y मतलब येलो, सारे के सारे राउंड एंड येलो. सो व्हाट ही डिड वाज उन्होंने सोचा ही टुक दिस टू द नेक्स्ट लेवल, और उन्होंने फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को सेल्फ करवा दिया. सो जब उन्होंने इसको करवाया ना, तो अब यहाँ से गैमीट्स बहुत इंटरेस्टिंग आए. कैसे? देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसने देखो कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल स्मॉल वाई, तो एक बड़ा आर एक छोटा बड़ा वाई आ गया. ठीक, अब यहाँ से कैसे आएंगे? कैपिटल आर, अच्छा अब इसमें पता है जब गैमीट्स बनाने तो कैसे बनाने चाहिए, बहुत सिंपल सा तरीका बताती हूँ. जब भी गैमीट्स बनाने चाहिए हो ना, तो ऐसे लिख दो, आर है एक, ये है एक, ये है और एक ये है. ठीक है, तो गैमीट क्या बनेंगे? दो दो ही होंगे उसके अंदर, ऑब्वियसली एक इसका है एक इसका, तो अभी कैपिटल आर है, तो अब जैसे बीच में ऐसे लाइन बना दो, ठीक है, और इन दोनों के बीच में ऐसे डॉट बना दो. ठीक है, तो अब क्या करो कि कैपिटल आर जो है ना, वो एक बार जाएगा इसके साथ, एक बार जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये जो दोनों है ना, ये मनमौजी है. ऐसे सोच लो ये दोनों मनमौजी है, ये दोनों स्लेव है. सो ये पहले बोलेगा मैं इसके साथ जाऊंगा, फिर बोलेगा इसके साथ जाऊंगा. तो कैपिटल आर कैपिटल के जो निकले, ये निकले हमारे गैमीट्स. दीज वर द फोर गैमीट्स, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई. ये चार हमारे गैमीट्स है. तो फिर इन गैमीट्स के बीच में अब क्रॉसिंग हुई. सो क्या हुए हमारे चार? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई. सेम गैमीट्स यहाँ पे बने. फिर अब इनके बीच में क्रॉसिंग हुई.
तो जब इनके बीच में हमारी क्रॉसिंग हुई और F1 जब जनरेशन प्रोड्यूस हुई, सो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आई एम गोइंग टू मेक अ बॉक्स बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ी थी वो. ओके सो यहाँ पे हम ना एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे करके ना मेल एंड फीमेल, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई. ओके सो इसको क्या हुआ, आर आर वाई वाई. सो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, बस ऐसे करके लिखना है हमको आर. अब यहाँ पे आ जाओ सेकंड वाले पे, आर आर वाई एंड वाई, आर आर वाई एंड वाई, आर आर वाई एंड वाई, आर आर पहले आर आर को लिख देते हैं, आर 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 अच्छा हमेशा पहले लिखा जाएगा कैपिटल फर्स्ट. ओके नाउ वाई वाई अच्छा अब ये क्या है, ये सारे दीज आर द जीनोटाइप्स. अब इनके फीनोटाइप्स पता करते हैं. कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, कैपिटल आर का मतलब ये होता है कि इसका जो कलर आया वो क्या था, इसका जो था राउंड था. और कैपिटल वाई मतलब येलो. ठीक है नेक्स्ट जो इसका ट्रेट आया, इट वॉज कैपिटल आर वॉज राउंड एंड इट वॉज येल्लो. ओके वन मोर थिंग, इस पूरे को अपने बाद में लिखेंगे हम, बट लेकिन इसके अंदर एक चीज़, जब कैपिटल आर था दैट वॉज राउंड, स्मॉल आर वॉज रिंकल्ड, कैपिटल वाई वॉज येल्लो एंड स्मॉल वाई वॉज ग्रीन. एंड जैसे ये वाला सिचुएशन है, इसके अंदर अब आता है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. एंड इफ वी नो द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सो इसके अंदर एक ही चीज़ है जो कि डोमिनेंट होगा, दैट इज कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई. सो इट इज गोइंग टू बी राउंड एंड येल्लो. सो ऐसे करके जो रेशियो आया था, तो रेशियो वन 9:6:1 ऑन द फीनोटाइप. फीनोटाइप यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो हमारा रेशियो आया था, इट वॉज 9:6:1 जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो वहां पर डिफरेंट थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में. एंड देयर वाज द लास्ट पोस्टुलेट, पढ़ा दिया. द लास्ट पोस्टुलेट वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके अंदर ये बोला गया है कि जो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टू फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टरिस्टिक असॉर्ट और दे सेपरेट आउट इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर ऑफ अदर करेक्टर्स एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन एंड देन रैंडमली रीअरेंज इन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसिंग बोथ पेरेंटल एंड न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स. जैसे इसके अंदर दिखाया गया था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर फाइनली फिर ऐसा होता है कि जो भी तुम्हारे गेमीट्स हैं ये पहले तो टूट जाते हैं, मतलब दे जस्ट स्प्रेड आउट, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज कि जो बाकी करेक्टरिस्टिक्स आनी होती हैं इन द ऑफस्प्रिंग और इन द नेक्स्ट जनरेशन, सो उस टाइम पे जो करेक्टरिस्टिक्स है वो अपने आप दे रीअरेंज इन अ वे कि जो करेक्टरिस्टिक्स है इट कम्स. ओके थैंक यू सो मच.